हालेलुया, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है, आगे बढ़ने का तरीका। जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 के 41 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मेरे प्रियो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर से आशीष को लेना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वह है परमेश्वर का धन्यवाद करना। जब आप हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी आशीष को पाते हैं। बाइबल में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय लाजर को जिंदा किया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने पहले आसमान की ओर देखा, पिता का धन्यवाद किया और फिर लाजर को आवाज़ लगाई और वह लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था जीवित हो गया और उठकर कब्र से बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने से पहले पिता का धन्यवाद करते थे। बाइबल में हम मत्ती 14:19 में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को घास के ऊपर बैठने के लिए कहा, तब उन्होंने रोटियां और मछलियां लेकर आकाश की ओर देखा और पिता का धन्यवाद किया और फिर रोटियां तोड़कर अपने चेलों को दी और उनके चेलों ने लोगों को दी। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियां 5,000 लोगों को खिलाई थी, उस समय भी उन्होंने पिता का धन्यवाद किया और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों में भी बरकत आई थी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार तब होते हैं और आप आगे तब बढ़ते हैं जब आप धन्यवाद करते हैं। जब आप परमेश्वर का थोड़े में ही धन्यवाद करना नहीं छोड़ते, फिर परमेश्वर आपको बहुत देता है और जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वह आपको मिलती है, क्योंकि आपका धन्यवाद बने रहना ही आपको आशीषित करता है। मेरे प्रियो, शैतान कई बार आपके जीवन में इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देता है कि अगर आपके पास छोटी आशीष है तो आप वहीं पर रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करना बंद कर दें, ताकि जो आपके पास है आपसे उसे भी खो दें और आगे ना बढ़ सकें। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि जब शैतान उनके मन में डालता है कि तेरा सिर दर्द अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, और इसलिए वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी आशीष को खो देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते और अपनी बीमारी परेशानी में फंसे रहते हैं। पर जब वह बोलते हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है और उसके कौड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, जब वह शैतान की बात नहीं मानते और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो फिर वह अपनी आशीष को, चंगाई को पाते हैं। आप हर एक रीति से बढ़ते हैं, इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर पर शक ना करें, क्योंकि परमेश्वर पर शक करना आपको आगे बढ़ने से रोकता है और आपकी आशीष को भी रोकता है। हर एक हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपका धन्यवादी बने रहना ही आपको आगे बढ़ाता है और आपको आशीषित करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने हर एक हालात में आपका धन्यवाद करता रहूँगा और आप ही के नाम की महिमा करता रहूँगा और आपके कामों को करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।